वेलकम टू द श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन। आज अपने बात करेंगे फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। इन प्रीवियस क्लासेस वी हैड स्टडी अबाउट टू कायरल सेंटर कंपाउंड एंड ऑल्सो डिफाइन द एनसीओमर्स एंड डाइस्टीरियोमर्स। टुडे वी विल टॉक अबाउट फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। What is the Fischer projection formula? Actually, we know that the stereochemistry molecule and compound, we can say the carbonic compounds, three-dimensional structures. कहने का मतलब ये है कार्बनिक कंपाउंड्स है वो थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करते हैं। कहने का मतलब ये थ्री डी स्ट्रक्चर्स शो करते हैं। आगे बात समझ में। अब ये जैसे अपना बोर्ड है या अपना पेपर है, वहां पे अगर अपने स्ट्रक्चर्स को डिफाइन करते हैं तो वो 2D स्ट्रक्चर्स बनती है। तो एक्चुअली इस डिफाइन को, जैसे 3D स्ट्रक्चर्स को 2D में रिप्रेजेंट करने के लिए सजेशन दिया एमिल फिशर ने और एक फॉर्मूला डिफाइन किया जिसको अपने क्या बोलते हैं, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। उसने बताया भी ये जो 3D स्ट्रक्चर्स है उसको 2D में कैसे अपने रिप्रेजेंट करेंगे। कहने का मतलब ये है साहब जितनी भी 3D स्ट्रक्चर्स है उसको 2D में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। कहने का मतलब है 3D स्ट्रक्चर्स को बोर्ड पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 3D स्ट्रक्चर्स को पेपर में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। इसको डिफाइन किसने किया, एमिल फिशर ने, जिसको अपने क्या बोलते हैं, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। The थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स कन्वर्टेड इंटू टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स बाई द फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। आगे बात समझ में। फर्स्ट ऑफ ऑल ये करते कैसे हैं इसके लिए अपने रूल पढ़ेंगे। तो अपने क्या आ जाएगा, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला रूल। सीधा रूल लिख देता हूं, रूल। जैसे जैसे मैं रूल रिप्रेजेंट करूंगा वैसे वैसे यहां पे डिफाइन भी करूंगा कैसे करते हैं। सबसे पहली लाइन देखो इसमें, टू परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ ऑन द पेपर, टू परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ ऑन द पेपर। ठीक है, वन ऑफ देम, वर्टिकल लाइन, एंड अदर हॉरिजॉन्टल लाइन। देखो अपने दो लाइन अपने खींचेंगे आगे, जिसमें से एक लाइन क्या होगी वर्टिकल लाइन और सेकेंड लाइन क्या होगी हॉरिजॉन्टल। तो अपने बना लेते हैं, दो लाइन खींचेंगे अपने, एक तो अपने वर्टिकल लाइन आ जाएगी और सेकेंड क्या आ जाएगी हॉरिजॉन्टल। बताओ यहाँ तक आ गया समझ में। अब देखो भाई, अब इस लाइन में जो क्रॉस पॉइंट होगा इस क्रॉस पॉइंट को अपने बोलेंगे काइरल कार्बन। तो अपने नेक्स्ट लाइन क्या आ जाएगी, क्रॉस पॉइंट रिप्रेजेंट, द काइरल कार्बन, रिप्रेजेंट द काइरल कार्बन। आगे बात समझ में, आगे देखोगे अपने एग्जाम्पल लेंगे थोड़ा और समझ में आएगा।
यहाँ पे जो वर्टिकल लाइन है जो अपनों ने क्रोश बनाया इधर की तरफ, कोई भी कंपाउंड होगा उसमें दो लाइन खींचेंगे। अब ध्यान से सुनना, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, यहाँ पे वर्टिकल लाइन में कौन सी लिखेंगे अपने, जो लॉन्ग चेन होती है कार्बन की उसको लिखेंगे, और जो हॉरिजेंटल है उसमें क्या लिखेंगे, ग्रुप या सब्सिट्यूएंट। आगे क्या बात समझ में, तो यहाँ पे एग्जांपल लेंगे थोड़ा और समझ में आएगा। पहले तो ये डायग्राम हो गया, और अपने को पता है काइरल कार्बन में क्या होगा, ए बी चारों तरफ क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप। आगे बात समझ में, क्रॉस पॉइंट रिप्रेजेंट द काइरल कार्बन। आगे देखो, the vertical line represent the longest carbon chain। ठीक है, जो longest carbon chain होगी वो कौन सी लाइन होगी, वर्टिकल लाइन। आगे बात समझ में, और उसमें भी अपने पहले या बाद में क्या लिखेंगे, जो वन नंबर कार्बन होगा अकॉर्डिंग टू आईपीएससी बात कर रहा हूं, उसको उसको टॉप ऑफ में रखना है अपने को। तो क्या आ जाएगा, सी वन कार्बन, सी वन कार्बन, राइट डाउन टॉप ऑफ द वर्टिकल लाइन, टॉप ऑफ द वर्टिकल लाइन। आगे बात समझ में, मतलब अपने कोई भी कंपाउंड लेंगे उसमें टॉप में क्या आएगा, सी वन कार्बन एटम। एग्जाम्पल लेके देखेंगे, सबसे पहले इसका थ्योरेटिकल पोर्शन पूरा कर लेते हैं अपने। नेक्स्ट देखो, द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल में कौन कौन से ग्रुप आएंगे, जो सब्सिट्यूएंट ग्रुप होते हैं या ग्रुप होते हैं बच्चे भी। आगे बात समझ में, तो क्या आ जाएगा, द हॉरिजॉन्टल लाइन represent the, सीधे लिख देता हूं, represent that group, and या इसकी जगह substituent भी लिख सकते हो आप। आगे क्या बात समझ में, तो ये अपना हो गया यहां तक कंप्लीट। अब इसमें दिखने का तरीका देखो, आगे देखो, the vertical line towards the weaver। And the horizontal line away from the weaver। आगे बात समझ में, आप थोड़ा अंडरस्टूड कर लेते हैं। कहने का मतलब दो लाइन खींचेंगे अपने यहाँ पे, एक तो हो जाएगी यहाँ पे ये वर्टिकल लाइन, और जैसे मैंने मान लिया ये हो गया वर्टिकल लाइन, ये हो गया वर्टिकल लाइन, और ये हो गया हॉरिजॉन्टल। आगे बात समझ में, वर्टिकल लाइन में अपने लॉन्गेस्ट जो कार्बन चेन होंगी वो लिखेंगे अपने। आगे बात समझ में, हॉरिजॉन्टल में जो बचे हुए सब्सिट्यूएंट है या ग्रुप है वो आ जाएंगे, जैसे ये हो गया मान लो हॉरिजॉन्टल और ये हो गया वर्टिकल। अब देखो, अपने को दिखाई देने का बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो मतलब जैसे आप हो, आपको कैसे दिखाई देगा, यहाँ पे मान लो ये हो गया अपने हॉरिजॉन्टल और ये हो गया अपने वर्टिकल। तो यहाँ पे देखो, मैं क्या बोल रहा हूँ, the vertical line towards the weavers। आगे बात समझ में, जो वर्टिकल लाइन होगी यहाँ पे वो क्या होगी, और इधर की तरफ क्या आ जाएगा, वर्टिकल लाइन। तब देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो वर्टिकल लाइन है यहाँ पे ये तो वीवर्स से क्या रहेगी, दूर, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगी वो वीवर्स की क्या रहेगी, टुवर्ड्स। तो यहाँ पे देखो, ये हो गया हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल देखो आपके इधर, आपको क्या आपके पास कौन सा है, हॉरिजॉन्टल है। आगे क्या बात समझ में, वर्टिकल है वो आपसे क्या है, दूर। तो वर्टिकल लाइन अवे फ्रॉम द वीवर्स एंड हॉरिजॉन्टल लाइन
आगे क्या टूवर्ड्स फ्रॉम द व्यूवर्स, मेरी बात समझ में आ गई थी, वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन अवे फ्रॉम द व्यूवर्स एंड द हॉरिजॉन्टल लाइन टूवर्ड्स फ्रॉम द व्यूवर्स, एनी प्रॉब्लम्स? ये तो हो गया, चलो अपने रिप्रेजेंटेशन थ्योरेटिकल कैसे करेंगे, दो परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे अपने, इसमें एक वर्टिकल हो जाएगी एक हॉरिजॉन्टल्स, आगे क्या बात समझ में, एक अपने क्रॉस पॉइंट में क्या हो जाएगा काइरल कार्बन, वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन एंड द कार्बन राइट आउंड ऑफ द वर्टिकल लाइन, आगे क्या सी वन कार्बन, दूसरा अपने जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी वी रिप्रेजेंट द दैट ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा, नेक्स्ट अपने दी हॉरिजॉन्टल लाइन टुवर्ड्स द वीवर्स, और जो वर्टिकल लाइन होगी वो क्या होगी अवे फ्रॉम द वीवर्स, आगे क्या बात समझ में, एनी प्रॉब्लम्स? अब देखो अपने एग्जांपल लेते हैं, ये तो होगी नॉर्मल बात, जैसे मुझे एग्जांपल लेते हैं लैक्टिक एसिड का, लैक्टिक एसिड, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को फॉर्मूला पता होना चाहिए लैक्टिक एसिड का, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला बनाना है अपने को, तो लैक्टिक एसिड क्या होता है, इधर की तरफ आ जाएगा CH3 और इधर की तरफ आ जाएगा CH और इधर अपने कर देंगे OH और इधर की तरफ क्या आ जाएगा COH, आगे बात समझ में, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने करेंगे क्या, कैसे डिफाइन करेंगे इसको, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने यहाँ पे वन नंबर कार्बन कौन सा है, ये दो नंबर, ये और थ्री, अब मुझे ये बताओ यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है, ये वाली है, ये वाली लॉन्गेस्ट चेन होगी, यहाँ पे ये वाली लॉन्गेस्ट चेन है, तो यहाँ पे इसको किस में लिखेंगे अपने, वर्टिकल में, तो क्या आ जाएगा, और वन नंबर कार्बन को क्या आ जाएगा, टॉप ऑफ दी वर्टिकल लाइंस, तो अपने रिप्रेजेंट कैसे करेंगे यहाँ पे, इधर की तरफ आ जाएगा COOH, आगे वर्टिकल में लिखना है, इधर की तरफ आ जाएगा C और इधर की तरफ क्या लिख देंगे अपने, इधर की तरफ आ जाएगा CH3, यहाँ तक बोलो समझ में आ गया क्या, इधर की तरफ, उसके बाद में क्या आ जाएगा दी हॉरिजॉन्टल लाइन, आगे सुनो मेरी बात ध्यान से, दी हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंट दैट ग्रुप, ग्रुप कौन से, यहाँ पे एक तरफ लिख दोगे हाइड्रोजन और दूसरी तरफ क्या लिख दोगे OH, ये हो गया फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ये तो अपने ने नॉर्मल कार्बन लिख के किया है, विदाउट कार्बन करना चाहो तो क्रॉस बनाओगे सबसे पहले ऐसे फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले में, एग्जाम में ऐसे करेंगे अपने, आगे बात समझ में, अब देखो इसमें कौन से ग्रुप है, इधर की तरफ ऊपर की तरफ क्या है COOH, आगे नीचे की तरफ क्या आ जाएगा, इधर की तरफ CH3, अब ध्यान से देखो इधर की तरफ क्या है हाइड्रोजन, ये दोनों में से कोई सी बना सकते हो, दोनों के बीच में और लिख सकता हूँ, इधर की तरफ क्या आ जाएगा OH, आगे बात समझ में, ये यहाँ पे देखो हॉरिजॉन्टल में कौन आ जाएंगे हाइड्रोजन और OH ग्रुप, और वर्टिकल में कौन आ जाएगा COH ग्रुप और इधर की तरफ आ जाएगा CH3, यहाँ तक बोलो समझ में आ गया, एनी प्रॉब्लम्स? ये हो गया किसके लिए, लैक्टिक एसिड के लिए, और मैंने तुम्हें बताया था दी क्रॉस पॉइंट इज कॉल्ड काइरल कार्बन, द क्रॉस पॉइंट इज कॉल्ड काइरल कार्बन, यहाँ तक बोलिए समझ में आ गया, एनी प्रॉब्लम्स? हो गया क्लियर? आगे देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं अपने ब्यूटेन टू ऑल, जिसको अपने क्या बोलते हैं टू ब्यूटेनॉल, क्या होता है टू ब्यूटेनॉल, देखिए भी इधर की तरफ लिख देंगे CH3, इधर की तरफ आ जाएगा C, ऊपर की तरफ आ जाएगा H, नीचे की तरफ लिख देंगे OH और इधर की तरफ क्या आ जाएगा COOH, आगे बात समझ में, आगे देखिए इसको अपने को रिप्रेजेंट करना है फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, सबसे पहले क्रॉस बनाएंगे अपने, ये हो गया इधर की तरफ क्रॉस, अब काइरल सेंटर कौन सा है, ये वाला कार्बन, इसमें भी काइरल सेंटर कौन सा है मुझे बताओ, ये रहा काइरल सेंटर, अब सबसे पहले देखो वर्टिकल में क्या आएगा, वर्टिकल में कौन आएगा, हाँ सबसे पहले नंबर दे देंगे कार्बन को, ये वन और इधर की तरफ टू और इधर की तरफ थ्री, लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है, ये वाले, और लॉन्गेस्ट चेन में क्या आ जाएगा टॉप ऑफ दी, हाँ वन नंबर कार्बन टॉप ऑफ दी वर्टिकल लाइन, इधर की तरफ आ जाएगा COOH, अब नेक्स्ट नीचे की तरफ क्या आ जाएगा, इधर की तरफ अपने रिप्रेजेंट कर देंगे CH3 को, आगे बात समझ में, इधर की तरफ क्या आ जाएगा अपने, इधर की तरफ लिख देंगे H और इधर की तरफ आ जाएगा OH, आगे बात समझ में, एनी प्रॉब्लम? दी डिफाइन द, हाँ आगे क्या बात समझ में, डिफाइन दी फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, अब अपने लेते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं एलेनिन का, जितने भी आपकी बोर्ड की बुक में है वो सारे ले रहा हूँ, देखो भाई नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं एलेनिन का, एलेनिन क्या होता है, एक एमिनो एसिड है, उस एमिनो एसिड का नेम है, वैसे क्या होता है देखो CH3, इधर की तरफ आ जाएगा C, इधर की तरफ हो जाएगा NH2, इधर की तरफ क्या आ जाएगा COOH और इधर की तरफ आ जाएगा हाइड्रोजन,
आगे फर्स्ट ऑफ ऑल वर्टिकल लाइन डिफाइन करनी है अपने को। वर्टिकल लाइन कौन सी है, इसमें ध्यान से देखिए, वर्टिकल लाइन होगी ये लॉन्गेस्ट चेन कार्बन, ये वन, ये टू, और इधर की तरफ ये आ जाएगा थ्री। तो सबसे पहले दो लाइन बनाएंगे अपने, ये हो गया काम। इधर आगे बात समझ में, टॉप ऑफ द कार्बन कौन सा है, यहाँ पे सी ओ एच, तो इधर की तरफ लिख देंगे सी ओ एच। और नेक्स्ट क्या है अपने पास लास्ट में वर्टिकल में, ये तो अपने किधर आ जाएगा, क्रॉस हो गया, ये तो हो गया काइरल कार्बन, जो ये वाला कार्बन है। अब अपने देखो नेक्स्ट इधर की तरफ क्या आ जाएगा, सी एच थ्री। एक तरफ क्या आ जाएगा, इधर एक तरफ आ जाएगा एन एच टू, और दूसरी तरफ इधर क्या आ जाएगा एच। यहां तक बोलिए समझ में आ गया, अंडरस्टूड, एनी प्रॉब्लम्स? आगे बात समझ में, एनी वन प्रॉब्लम्स? ये हो गया काइरल कार्बन, किसका फॉर्मूला हो गया ये एलेनिन का। अब अपने लिखते हैं कंडीशन ऑफ, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी थोड़ा बहुत बता देता हूँ, ये अपनों ने किया रूल ऑफ फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। नेक्स्ट अपने करते हैं कंडीशन ऑफ फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, कंडीशन ऑफ फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, इसके अंदर ही है ये टॉपिक, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। हाँ भाई, कंडीशन क्या हो जाएगी, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, देखो भी एक तो ये जो कंडीशन क्या है, एक तो जो फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला है उसमें जो प्लेन है उसको रोटेट नहीं करना चाहिए। ये क्या है, प्लेन को कम आउट नहीं करना चाहिए। आगे क्या मेरी बात समझ में, जो प्लेन है उसको रोटेट भी नहीं करना चाहिए। तो अपने क्या आ जाएगा कंडीशन, क्या क्या है, फर्स्ट क्या हो जाएगी, द फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, द फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला नॉट कम आउट ऑफ द प्लेन। दूसरा क्या है, जो मॉलिक्यूल है उसको 90 डिग्री और 270 डिग्री पे रोटेट नहीं करना चाहिए। तो 90 डिग्री पे, एक 270 डिग्री पे, क्योंकि इससे क्या हो जाता है, मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है। आगे द मॉलिक्यूल नॉट रोटेट नॉट रोटेट 90 डिग्री एंड 270 डिग्री बिकॉज द मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर्स चेंज। नेक्स्ट देखो, द मॉलिक्यूल शुड बी रोटेट, द मॉलिक्यूल शुड बी रोटेट, शुड बी रोटेट 180 डिग्री एंड 360 डिग्री बिकॉज इट गिव्स आइडेंटिकल स्ट्रक्चर्स। आगे बात समझ में, थोड़ा सा समझा देता हूँ। इधर की तरफ देखो, जैसे ये स्ट्रक्चर्स है, अगर मैं यहाँ पे इसको 180 डिग्री पे रोटेट करूँगा तो स्ट्रक्चर्स में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, आइडेंटिकल स्ट्रक्चर्स बनेगी। देखो मैं इसको 180 डिग्री पे रोटेट कर रहा हूँ, इधर की तरफ देखो अपने क्या आ जाएगा सी ओ एच, इधर की तरफ क्या रहेगा, इधर की तरफ सेम रहेगा, इधर की तरफ क्या आ जाएगा सी एच थ्री। यहाँ पे क्या हो जाएगा 180 डिग्री में क्या हो जाएगा एन एच टू, और इधर की तरफ क्या आ जाएगा
एच, तो 180 डिग्री में एच किधर आ जाएगा, इधर की तरफ, और एन एच टू किधर की तरफ आ जाएगा, इधर की तरफ। अगर आप 90 डिग्री पे रोटेट करते हो तो 90 डिग्री रोटेट पे क्या हो जाएगा, एन एच टू तो आ जाएगा इधर की तरफ, सी ओ एच चला जाएगा इधर की तरफ, सी एस थ्री आ जाएगा इधर की तरफ। आगे बात समझ में, जिससे क्या होगा, जो आइडेंटिकल स्ट्रक्चर्स नहीं बनेगी और जो उसका आइसोमर्स है वो बन जाएगा, और स्ट्रक्चर्स क्या हो जाएगी, कॉन्फ्यूगेशन अपने चेंज हो जाएगा। जैसे अपने डी और एल आगे पढ़ेंगे वो कॉन्फ्यूगेशन चेंज हो जाएगा उसमें। आगे बात समझ में, तो अपने क्या पढ़ा, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। सबसे पहले फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले में सिंपल सी बात है, तू अपने लाइन खींचेंगे, दोनों को क्रॉस करेंगे, जो क्रॉस पॉइंट होगा उसको अपने क्या बोलेंगे, काइरल कार्बन। आगे बात समझ में, और अपने जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगा उसको अपने क्या बोलेंगे, वर्टिकल लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे। हॉरिजॉन्टल होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, दैट ग्रुप को और सब्स्टिट्यूएंट को। आगे बात समझ में, और जो वन नंबर कार्बन है उसको टॉप ऑफ में वर्टिकल लाइन में अपने को रिप्रेजेंट करना है। आगे बात समझ में, उसके बाद में क्या आ जाएगा, अपने जितने भी ग्रुप है उसको रिप्रेजेंट करेंगे हॉरिजॉन्टल में। आगे देखो नेक्स्ट क्या आ जाती है, कि जो वर्टिकल लाइन होती है वो क्या आ जाएगी, अवे फ्रॉम द वीवर, एंड हॉरिजॉन्टल लाइन क्या आ जाएगी, टुवर्ड्स फ्रॉम द वीवर। यहाँ से देखो ऐसे। आगे बात समझ में, अब अपने नेक्स्ट इक्वेशन की बात करेंगे, इंटरनल कंपोजिशन के बारे में बात करेंगे। ओके बाय, स्टे सेफ एंड स्टे होम।